अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। इबादत मुझे ब्लैकमेल कर रही है, उसने मुझे धमकी दी है। अगर तुम दोनों के रिश्ते के बीच में मैं आई तो वो मेरा वीडियो वायरल कर देगी। पता नहीं मन्नत मुझे क्यों रोक रही है। ना घर वालों के सामने इबादत की सच्चाई ला पा रहा हूँ, ना इबादत को आईना दिखा पा रहा हूँ, और ना मन्नत को इबादत से प्रोटेक्ट कर पा रहा हूँ। समझ नहीं आता क्या करूं। मन्नत क्या कर रही हो? मन्नत अरे बेचैनी को सुकून देने की कोशिश कर रही हूँ। सुबह मन ये सब कुछ गलत है मन्नत। गलत है तो गलत ही सही सुबह। किसी की परवाह नहीं है, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हारी बाहों में मुझे सुकून मिलता है सुबह। मन्नत मन्नत तुम्हारी ये बातें भी गलत है, तुम जो कर रही हो वो भी गलत है। देखो मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन ये सब अपने दिल में रखो, अपने दिमाग में रखो। और हम दोनों का रिश्ता बहुत अलग है। तुम मेरी वाइफ की बहन हो, ना मुझे कपड़ों पे दाग पसंद है और ना ही रिश्तों का। बेहतर होगा कि हम दोनों अपने हाथ में रहें। सुभान, जो हाथ में रहकर किया जाए वो प्यार ही क्या सुभान? मैं तो तुम्हें बेहद चाहती हूं। मुझसे जितना दूर जाने की कोशिश करनी है कर लो, क्योंकि वक्त तुम्हें मेरे बहुत करीब लाने वाला है। शर्म, बदजात, नालायक, बेहया, छोड़िए मुझे। क्यों छोड़ दूं? अपनी बहन के शौहर पर डोरे डालने से पहले मर क्यों नहीं गई तू बेहरत? छोड़िए नानी अम्मी। मुझे पहले से ही शक था, जानती थी मैं कि तू कोई शैतानी साजिश करने में लगी हुई। अपनी बहन के शौहर पर घात लगाए बैठी है तू? तू रुक जा, तेरी ये जो आशिकी है ना ये मैं निकालती हूँ। इसी आशिकी निकालूंगी तेरी की जिंदगी भरी याद रखेगी। छोड़िए, चल मेरे साथ। छोड़िए, छोड़िए मुझे नानी अम्मी। इस घर को गुनाहों का बाजार बना दिया है तूने। अपनी बहन का घर तोड़ना चाहती है तू? बदजात कहेगी। अरे खुदा तेरी जैसी बहन तो किसी दुश्मन को भी ना दे। बहुत बर्दाश्त कर लिया मन्नत, अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ऐसा हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी तू। इतनी हिम्मत, तू मेरा हाथ पकड़ेगी? अभी तो सिर्फ हाथ पकड़ा है नानी, अब हाथ मरोड़ूंगी। छोड़ मन्नत। क्या हुआ नानी अम्मी? दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। सची की चिल्लाइए। छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़ दे मेरा हाथ मन्नत। सारी हेकड़ी निकल गई ना अब आपकी। हाँ नानी अम्मी, जब आप मुझे तमाचे मारती है, मेरा हाथ मरोड़ती है, तो मुझे भी ऐसे दर्द होगा। आपके तमाचे मेरे गाल पर नहीं, मेरे दिल पर लगते हैं नानी अम्मी। छोड़ मेरा हाथ मन्नत। अरे आपको तो नानी अम्मी कहते हुए भी शर्माती है मुझे, क्योंकि आप मेरी नानी अम्मी है, लेकिन आप तरफदारी करती है उस गैर इबादत की। पर आपकी सगी तो मैं हूँ, फिर मुझे वो प्यार क्यों नहीं मिलता नानी अम्मी जो उसे मिलता है? हाँ ये सगी और सौतेली वाली बात कर रही है, मतलब इसे पता चल गया है कि इबादत इसकी सगी बहन नहीं है बल्कि सौतेली बहन है। या अल्लाह,
अगर ये बात इबादत को पता चली तो उस बेचारे पर क्या गुजरेगी? बताइए ये क्या कह रही है तू? मन्नत ये क्या हो रहा है यहाँ? तो इतनी आसानी से तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। तुम मेरा नंबर देख के फोन अवॉइड कर रही हो। ये देखो, तुम्हारे लिए मैंने न्यू सिम ले दिया। अब तो तुम कॉल पिक करोगी। बरेली वाली खाला ही कर सकती है। बरेली वाली खाला को मेरा सलाम पेश है। तुम? जी मैं, सूफी, आपका प्यारा प्यारा पेशेंट। तुम कितने बेगैरत हो यार। पहले सिर्फ कॉल करते थे और अब सीधा वीडियो कॉल। तुम्हारी आवाज सुनने में वो लज्जत कहाँ है सनम? तुम्हारा चेहरा देख लूं, टूट जाए चांद तारों का भरम। वाओ, शायर बन गया मैं तो। चुप, स्टूपिड कहीं का। अब अगली बार कॉल किया ना जेल भिजवा दो। अरे नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं मिस ऑर्थो। मुझे तो आपकी बहुत जरूरत हो। कुछ नहीं, मुझे आपसे बात करनी थी। हेल्प चाहिए थी आपकी। हेल्प? कैसी हेल्प? वो ना, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रही है, चोट लग गई है। पहले तो बाजार से सामान ले आता था भाग के, मगर अब तो एक कदम भी नहीं चल पा रहा हूँ। जितने भी नेक काम है कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं। हद तो ये हो गई कि अब तो नमाज पढ़ने भी नहीं जा पा रहा हूँ मैं। बड़े नेक काम में सो रहे तुमसे। नमाज पढ़ने के अलावा और कौन से नेक काम करते हो तुम? अरे क्यों नहीं करता मिस ऑर्थो, मैं तो हर रोज बाहर बाजार जाता हूँ पैदल चल के, और वहाँ पे जितने गरीब होते हैं उनको जूस भी पिलाता हूँ। और आपको पता है मुझे इस बात का घमंड भी नहीं है। ओ वाओ, मैं ना कैंडल मार्च निकाल के सरकार से गुजारिश करूंगी कि तुम्हें ऐसे कामों के लिए ना छोटे मोटे मेडल दे दिए जाए। तो आपको दे दिया जाए फिर? दर्द, पैर में दर्द है ना, दर्द की बात कर रहा हूँ। वो ही नकली वाली चोट जो कल लगी थी? नहीं नहीं, ब्रांड न्यू चोट है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। वो क्या है ना कि केले के छिलके पे पैर रख दिया था, केला हर्ट हो गया, बुरा मान गया, उसने मुझे फेंक दिया, तो बस फिर चोट लग गई। अच्छा ठीक है, अब अपना पैर दिखाओ। हाँ ये देखो। ओके, अब खड़े हो जाओ और चल के दिखाओ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।